हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टिकबोड्रम क्रीम का रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्रीम के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की मैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि इस क्रीम के अंदर क्या क्या साल्ट डाले गए हैं और कितनी इसकी MRP है और कौन सी कंपनी इसको बनाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साल्ट से। तो दोस्तों, इसके अंदर होता है बिक्लोमेथासोन और डिप्रोपाइनेट और इकोनाजोल और नियोमाइसिन। तीन साल्ट इसके अंदर क्रीम के अंदर डाले गए हैं। इन तीनों साल्ट से मिलकर ये क्रीम बनी है। और दोस्तों, ये 5 ग्राम की क्रीम है और इसका एक 10 ग्राम की पैकिंग भी आती है और एक 15 ग्राम की पैकिंग भी आती है। तो जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये 5 ग्राम की पैकिंग है। और बात करते हैं इसके MRP की। तो दोस्तों, इसका MRP है 33 रुपये। और बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, नेम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है, जो कि महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार इसको अंदर से खोल के भी दिखा देता हूँ किस तरीके की इसके अंदर ट्यूब निकलती है। इस तरीके की दोस्तों ये ट्यूब निकलेगी अंदर। 5 ग्राम की पैकिंग है इसकी। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके यूजेस के बारे में, किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये क्रीम दांत खाज खुजली के लिए होती है। जैसे कि किसी को दांत की प्रॉब्लम हो, खुजली हो, रैशेज हो, एलर्जी हो जाती है, दाने निकल जाते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। दोस्तों, दांत वगैरह, खुजली वगैरह, स्किन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है और ये क्रीम उसी में काम करती है। तो आपको अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको एक बात और बता देता हूँ, ये क्रीम एक जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक दवाई है। तो आपको ये दोस्तों कुछ इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 33 रुपये इसकी MRP है, लेकिन दोस्तों हो सकता है आपको ये 20-25 रुपये में भी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जेनरिक दवाइयों पे डिस्काउंट होता है। तो अगर आपका कोई जानने वाला केमिस्ट वाला होगा तो आपको जो है कम में भी दे देगा। लेकिन आप जब इसको परचेज करने जाओगे तो आप ज़रूर डिस्काउंट के बारे में ज़रूर बोलना, क्योंकि उनको जो है, जिस ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि जेनरिक दवाइयों पे काफ़ी छूट होती है, डिस्काउंट होता है। तो दोस्तों, मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में ये ज़रूर बताऊँ कि कौन सी दवाई जेनरिक है, कौन सी एथिकल है, कौन सी ब्रांडेड है। क्योंकि देखो दोस्तों, ब्रांडेड दवाइयों पे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, इसलिए केमिस्ट वाले क्या होते हैं, उस पर डिस्काउंट कम करते हैं। लेकिन जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उन पर दोस्तों 15-15, 20-20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आपको एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपको धीरे धीरे से निकाल के रब करना है, हल्के हल्के मसाज करनी है। और आप इसको दिन में दो या तीन बार इसका इस्तेमाल करें तो आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्रीम होती है। टिकबोड्रम जो है काफ़ी बढ़िया है, मतलब फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दांत खाज खुजली के लिए काफ़ी अच्छी और सस्ती दवाई है। क्योंकि दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम के लिए जो है काफ़ी महंगी महंगी क्रीमें आती हैं, 150 रुपये की, 200 रुपये तक की क्रीमें आती हैं, लेकिन ये आपको 20-25 रुपये में आसानी से मिल जाएगी और सबसे सस्ती क्रीम है और काफ़ी असरकारक भी होती है। तो दोस्तों, इतने कम पैसे में आपको स्किन एलर्जी की क्रीम नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्रीम है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर ये स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये था टिकबोड्रम क्रीम का रिव्यू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। और आप अगर लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो दोस्तों मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मेडिकल से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये था टिकबोड्रम क्रीम का रिव्यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।